तो फ्रेंड्स, शादी एक ऐसा टाइम है जो दुल्हन बनने का सपना जिसको कहते हैं, बहुत सारी लड़कियों का बहुत बचपन से ही हमें दुल्हन दुल्हन खेलने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है एंड शौक होता है, लाइक दुपट्टा और ऑल, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ये होता है। लेकिन अगर वो टाइम अभी आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाली है और किस लोग कुछ लोगों की तो फिक्स भी हो चुकी हैं, तो बहुत नज़दीक आ गए, ऐसे में बहुत एक्साइटमेंट एंड खुशी होना तो लाजमी है, और साथ में एक डर भी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है। और अभी घर के सभी लोग इस काम में, इस माहौल में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, आप भी हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी छोटी सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हद कर जाती हैं और फिर ज़्यादा लगता है कि क्या मैंने ये कर लिया। आप कितनी भी तैयार हो, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आज का वीडियो इस तरीके से है कि मैं आज आपको बताऊंगी कि एक दुल्हन जब अपने साथ एक छोटू सा पर्स लेके अपने साथ जो कैरी करती है, उस पर कौन कौन सी चीज़ रखने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। तो करें स्टार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जो बताने वाली थी वो ये है कि अब शादी होगी, कुछ भी होगी, तो बड़ी बड़ी पैकेजिंग तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मसले तभी होते हैं जब आपके पास अपना छोटू सा पर्स होता है, उस पर आप रखना कोई चीज़ भूल जाती हो, लाइक इस तरीके के हैंड पर्स। हैंड पर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या 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 चीज़ है जिसे आपको कैरी करना चाहिए, मैं उस पर एक आइडिया देने वाली हूँ आपको। तो इस वीडियो को तो फुल देखिएगा, क्योंकि काफ़ी यूजफुल चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पर्स में अपने कैरी करनी चाहिए। तो करें स्टार्ट, देन स्टार्ट। देन सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक। ऑब्वियसली हमें लिपस्टिक रखना चाहिए अपने ही पर्स पे, क्योंकि इसके लिए हम एक अलग सा जो पैकेजिंग है उसके पास तो नहीं जा सकते हैं दौड़ते हुए कि मुझे ये चाहिए। आप अपने पर्स में लिपस्टिक ज़रूर कैरी करें, जिस जो कलर आपने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है उसी कलर को कैरी करें, ताकि आप बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र होगा, आप जाओगे तो आपको टचअप की ज़रूरत पड़ेगी, देन उस वक्त ये लिपस्टिक आपका बहुत काम आने वाला है। देन एक लिपस्टिक तो ज़रूर बनता है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो वो है एक कॉम्पैक्ट। ऑब्वियसली एक कॉम्पैक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक मिरर भी देता है बीच में, ताकि आप अपने फेस को थोड़ा सा टचअप दे सको, कैसी लग रही है कैसी नहीं इसके लिए भी। और साथ ही आपको इस तरीके कॉम्पैक्ट का ज़रूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि दूर का सफ़र है, तो लाजिम सी बात है आपका फेस थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, सैड तो हम लोग रहते ही हैं, पर रास्ता बहुत लंबा होने की वजह से पूरा फेस भी उतरा उतरा सा दिखता है, तो उस वक्त हमें कॉम्पैक्ट काम आएगा, चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे वो समर का सीज़न हो, कॉम्पैक्ट पाउडर रखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ वो है सेफ्टी पिन। आपको सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरी करना, क्योंकि आप इसे छोटा सा चीज़ ना समझे, सेफ्टी पिन इतना मस्ट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सेफ्टी पिन तो आई थिंक मैं भी अभी तक भी कैरी करके चल रही हूँ, आप दुल्हन बनने वाली हो, कॉलेज गर्ल हो, कोई भी हो, सेफ्टी पिन इज़ अ मस्ट। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, आपको इतना ज़्यादा सेफ्टी पिन, आई मीन दुल्हन बनते हो तो लगाया गया रहता है, कभी दुपट्टे पे, कोई साड़ी पे, कहीं पे, तो कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप किसका मुंह देखोगे, तो किसी और का देखने से अच्छा है कि आप अपने हैंड्स में कैरी करके जाओ। और इस तरीके के सेफ्टी पिन्स बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, तो सेफ्टी पिन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा इस तरीके का क्लिप, जेपी का क्लिप जो चाहिए हमें इस तरीके, क्योंकि ये दुपट्टा में बहुत ज़्यादा हर जगह लगाया गया होता है। एंड इस तरीके के बॉबी पिन्स भी, जूड़ा पिन जिसे कहते हैं, इसे भी हमारे हेयर स्टाइलिस्ट जो होती हैं वो हमारे बैंड बजा के रखती है हमारे बालों का, बड़े बड़े हेयर स्टाइलिंग करके, तो ये जो कभी कभी होता खुल जाता है, गिर जाता है, तो आपको अलग से ज़रूरत पड़ेगा, तो प्लीज़ आप इसे भी कैरी करना, बिल्कुल भी फोगाट मतलब बिल्कुल भी ना भूले, बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको पर्स में ही मिलेंगी आपकी। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा हैंकी, अपना खुद का पर्सनल रुमाल, क्योंकि रुमाल हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जब हम रोएंगे तभी भी काम आएगा, और हम अपने फेस को क्लीन करेंगे तभी भी काम आएगा, और कोई भी चीज़ में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हैंकी को भी अपने पर्स में रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हैंकी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, उसे तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप किसी और का हैंकी भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ना आप अपना ही हैंकी रख लो तो बहुत बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिन, लाइक मैं आपको शो कर रही हूँ उस तरीके से, आप अपना कोई भी मेडिसिन ले सकते हो। देखो हमारे इंडिया में हो चाहे कहीं पे, हमको उतना पता नहीं, मैं इंडिया की ही बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मैरिज के सेरेमनी और रस्म जो होते हैं, फर्स्ट टाइम जब लोग जाते हैं तो वो फास्टिंग में हो जाते हैं, यार कुछ चीज़ ऐसे होती है जो फास्ट रखना पड़ता है, फास्ट में ही करना पड़ता है, उस दौरान क्या होता है, उतना दूर से आने का हेडेक, खान पान का सही तरीका सही नहीं होना, ऊपर से फास्टिंग रखना, तो आपके पेट में इनडाइजेस्ट या गैस, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, या हेडेक, में दर्द, तो इस तरीके की छोटी छोटी मेडिसिन आप जरूर कैरी करें, ताकि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दर्द हो या कुछ ना हो, तो आप इस तरीके की दवाई भी अपने साथ ले जाओ, और उसके बाद आप अपने सारे रस्म को अच्छे से इंजॉय करो। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट चीज क्या आता है आपका सेल फोन, मैं इसे दिखा रही हूँ, आप अपना कोई भी सेल फोन ले सकते हो, एप्पल आईफोन कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मैं अपने छोटे मोटे सेल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी की ही छोटी सी सेल है, तो मैं इसे ही एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ। आप इस तरीके का अपना पर्सनल सेट जरूर अपने साथ कैरी करें, क्योंकि फोन का जरूरत तो आपको पड़ता ही है, और इन बिहाफ आप भूल ना जाओ, इसलिए इसको सबसे पहले कैरी करने का सोचें, क्योंकि ये आपका पर्सनल चीज है, आपका मम्मी से लेके आपकी फ्रेंड्स तक सब इसके जरिए कनेक्ट रहने वाली है, उस दौरान आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो प्लीज आप अपने सेलफोन को भी जरूर कैरी करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग और एक चीज है, लास्ट है, जो कि करेंसी। लाइक आप कितना भी पैसा कैरी कर सकते हो, आप सोचोगे कौन सा गोलगप्पा खाने जा रही हूँ या कौन सा शॉपिंग पे जा रही हूँ जो मुझे कैश की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको अपने पर्स में कुछ कैश रखना बहुत मस्ट है, वो इसलिए मस्ट है कि बीच रास्ते में टायर पंचर हो गया तो यार जोक था। पैसा इसलिए आपको रखने मस्ट है क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि देखो आप जब जाते हो तो हमें हमेशा बड़े ही नहीं मिलते हैं, लाइक जो हम किसी का पैर छू ले या कुछ भी कर ले तो हमें गिफ्ट ही मिलने वाले। ऑब्वियसली हम नहीं दुल्हन हैं, हम जाएंगे तो किसी की चाची हैं, किसी की मामी हैं, तो किसी की कुछ हैं, तो ऑब्वियसली इस दौरान क्या होता है, बच्चों के लिए पर्सनल अलग से गिफ्ट तो नहीं ले जा सकते उस दौरान, तो क्या करेंगे, जब वो छोटे बच्चे को प्यार दिखाना होगा और वो जब हमारे पैर छूएंगे या कोई रस्म होगा जब हमें देना होगा, तो फिर हम उन्हें कैश दे सकते हैं, राइट। तो कैश दे सकते हैं क्योंकि उस दौरान आप दुल्हन हो और पर्स लिए हो। एक ही मिनट रुको भैया, पैसे देंगे प्लीज, मुझे इन्हें देना है, तो कितना अजीब लगेगा, आप खुद ही सोच लो। उससे अच्छा है ना कि सारे चीज़ें आप अपने पर्स में पूरे ध्यान से कैरी करके रखोगे। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको साथ शेयर करने वाली थी, चीज़ आपको पर्स में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। एक बार आप जहन में गौर से देखो मेरी वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और आपको रखने ही चाहिए अपने पर्स में। इसके बाद भी वल्ला अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें कैरी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये इनफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप कोई और चीज़ लो चाहे नहीं लो, इसे ज़रूर कैरी करें। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं एंड काफ़ी अच्छे टिप्स हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक तो बनता है, और ये वीडियो मेरा नहीं आप सबका है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपनी दी अपनी किसी को भी जो दुल्हन बनने वाली उसको तो डेफिनेटली शेयर करिए, एक हेल्प तो बनता है आपका भी, ठीक है। और मैं आपकी शादी में आ नहीं सकती, लड्डू खा नहीं सकती, तो कम से कम मेरे लिए भी एक प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोके मेरे लिए भी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उससे हमने छोटा बेल आइकन उसे करिएगा प्रेस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप नोटिफाइड रह सको। और अगर आपने कर दिया है देन थैंक यू सो मच, अब मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटी।